दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं। साथ ही अपनी तरफ से आप इस वीडियो को एक प्यारा लाइक जरूर कर दें। साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। आज की पहली खबर, बिहार के कई जिलों में बारिश के आसार, पटना केंद्र ने जारी किया तत्कालीन अलर्ट। जी हां, बिहार में मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है, इसके चलते बारिश का सिलसिला भी कमजोर पड़ गया है। मानसून का असर अभी मध्य भारत के हिस्सों पर अधिक है। बिहार के अलग अलग इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश स्थानीय कारणों से हो रही है। दिल्ली के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र से जारी पूर्वानुमान में बताया गया है कि 6 से 7 सितंबर के बीच बिहार, झारखंड और बंगाल के गंगा से सटे इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। मानसून की ट्रफ लाइन दक्षिण की ओर शिफ्ट होती दिख रही है। यह फिलहाल बीकानेर, सीकर, ग्वालियर, सीधे रांची और बंगाल के दीघा से होकर गुजर रही है। फिलहाल राज्य में बारिश का सिलसिला सुस्त होने से उमस भरी गर्मी और तीखी धूप का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। साथ ही पटना केंद्र के मुताबिक 9 सितंबर तक बिहार के ज्यादातर हिस्सों में तेज बारिश के आसार नहीं है। नेपाल में हुई बारिश का बिहार में दिखा असर, बागमती और बूढ़ी गंडक फिर से उफनाई, कमला जलस्तर भी बढ़ा। जी हां, नेपाल में हुई भारी बारिश के दो दिन बाद बिहार में बागमती और बूढ़ी गंडक में एक बार फिर उफान आ गया है। हालांकि जहां डिस्चार्ज बढ़ने की आशंका थी, उस नदी गंडक का न सिर्फ डिस्चार्ज घटा है बल्कि जलस्तर भी नीचे आया है। इसके अलावा कमला नदी का जलस्तर भी रविवार को तेजी से बढ़ा है। गंगा भी सभी जगह उतरी है लेकिन कहलगांव में जलस्तर थोड़ा बढ़ा है। तो वहीं कोसी नदी खगड़िया में लाल निशान से 177 सेंटीमीटर और कटिहार में 91 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। बागमती का जलस्तर पिछले 24 घंटे में सीतामढ़ी में 1 मीटर से ज्यादा ऊपर चढ़ा है। वहां लाल निशान से नीचे चली गई बागमती रविवार को फिर 25 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। सिवर में भी इसका जलस्तर लगभग 60 सेंटीमीटर चढ़ा है। दूसरी तरफ बूढ़ी गंडक का जलस्तर रविवार को और बढ़ गया है। मुजफ्फरपुर में यह लाल निशान से 24 सेंटीमीटर ऊपर चली गई है। समस्तीपुर में 136 और रोसड़ा में 191 सेंटीमीटर लाल निशान से ऊपर है। अगली बड़ी खबर, बिहार के 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों की बढ़ेगी न्यूनतम मजदूरी, 1 अक्टूबर से मिलेगा लाभ। जी हां, बिहार में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दर में 15 रुपए तक की रोजाना वृद्धि हो सकती है। आगामी 1 अक्टूबर से इस वृद्धि का लाभ बिहार के 3 करोड़ से अधिक मजदूरों को मिल सकेगा। श्रम संसाधन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। श्रम संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार सरकारी कर्मियों को सरकार महंगाई भत्ता देती है, उसी के तर्ज पर उपभोक्ता सूचकांक को आधार बनाकर श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जाती है। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षक बनना चाह रहे अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर, मंत्री ने की घोषणा। जी हां, बिहार में स्कूली शिक्षकों के खाली पद जल्द भरे जाएंगे। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए न्यायिक बाधाओं को दूर कर पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां चल रही है। सभी विद्यालयों में बेहतर प्रशासन व प्रबंधन हेतु प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक का नया संवंग बनाया गया है। इन पदों के लिए बिहार लोक सेवा आयोग से होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले शिक्षक बहाल होंगे। वहीं शिक्षक के सम्मान में अगले साल से पुरस्कार की राशि दोगुनी करने पर विधि सम्मत फैसला लिया गया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने रविवार को शिक्षक दिवस समारोह में इसकी घोषणा की है। बड़ी खबर, लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तर्ज पर होगी पंचायतों की मतगणना। राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग के निर्देश अनुसार इस बार पंचायत चुनाव के मत की गिनती लोकसभा और विधानसभा चुनाव की मतगणना के तर्ज पर जिला स्तर पर एक ही जगह होगी। पंचायत चुनाव के बाद मतगणना की यह नई व्यवस्था पहली बार लोगों के सामने आने वाली है। पंचायत चुनाव के विभिन्न पदों के लिए जिले के सभी प्रखंडों के होने वाले मतदान के बाद मतों की गिनती जिला मुख्यालय में बाजार समिति के प्रांगण में केंद्रीकृत व्यवस्था के तहत होगी। मतदान के बाद एक दिन छोड़कर अगले दिन मतगणना होगी और चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, राजनीतिक दलों का झंडा बैनर लहराने पर होगा एक्शन, जुलूस निकालने से पहले करना होगा ये काम। जी हां, पंचायत चुनाव में किसी भी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की चुनाव लड़ने पर रोक नहीं है, लेकिन वे प्रचार में अपनी पार्टी के झंडा या बैनर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो फिर निर्वाचन आयोग वैसे प्रत्याशियों पर आचार संहिता के उल्लंघन की कार्रवाई करेगी और उनकी उम्मीदवारी भी जा सकती है। साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश दिया है कि उम्मीदवारों के जुलूस की वजह से आम लोगों को परेशानी
न हो, इसके लिए उम्मीदवारों को कई निर्देश जारी किए गए हैं। आयोग ने किसी भी जुलूस के लिए शुरू होने का समय एवं स्थान, वह किस मार्ग से होकर जाएगा और किस समय वह स्थान पर समाप्त होगा, यह पहले से तय करके पुलिस पदाधिकारियों को अग्रिम रूप से अनुमति लेनी होगी। इसके लिए निर्वाचित पदाधिकारी के यहां से अनुमति लेनी होगी। चुनावी प्रचार के दौरान जिन मोहल्लों से होकर जुलूस गुजरेगा वहाँ पर निषेधात्मक आदेश का पता लगाया जाएगा और पूरी तरह से उनका पालन किया जाएगा। बिहार में बाढ़ को लेकर फिर नया अलर्ट जारी। क्षति का जायजा लेने आज पटना पहुंचेगी केंद्रीय टीम। जी हां, बिहार में मानसून की बारिश के बीच नदियां उफान पर है। यहां बाढ़ से 15 जिलों में लगभग 20 लाख की आबादी प्रभावित है। वहीं बाढ़ के पानी में डूबने से 53 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बाढ़ को लेकर जल संसाधन विभाग ने उत्तर बिहार के सभी जिलों को फिर से अलर्ट कर दिया है। राज्य में आपदा प्रबंधन विभाग बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत व बचाव कार्य चला रहा है। इसी बीच बड़ी खबर यह है कि बाढ़ से तबाही का जायजा लेने 6 सदस्य केंद्रीय टीम सोमवार को पटना आ रही है। यह टीम बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर तबाही का जायजा लेगी। यह केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान की बाबत राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। अगली बड़ी खबर, कोविड टीकाकरण में तीसरे नंबर पर रहा बिहार। आज और कल दूसरी डोज पर रहेगा स्पेशल फोकस। जी हां, बिहार में शनिवार को कुल 11 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। नए संक्रमित राज्य के 7 जिलों में मिले हैं। पटना और सुपौल जिले में 3-3, अररिया में 1, बेगूसराय में 1, भोजपुर में 1, कटिहार में 1 और किशनगंज जिले में 1-1 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के शेष 31 जिलों में 1 भी संक्रमित नहीं पाए गए हैं। सरकार कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत सोमवार व मंगलवार को वैक्सीन के दूसरे डोज की संख्या बढ़ाने पर फोकस करेगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्युत अमृत ने शनिवार को राज्य के सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि बिहार कोरोना टीकाकरण के मामले में शनिवार को तीसरे पायदान पर रहा। बिहार में 5,39,324 डोज दिया गया। इसकी तुलना में सर्वाधिक 12,15,125 डोज महाराष्ट्र में, जबकि दूसरे स्थान पर 6,70,338 डोज राजस्थान में दिया गया। बिहार में सर्वाधिक 34,014 डोज वैशाली जिले में, समस्तीपुर जिले में 33,882 डोज, वहीं मुजफ्फरपुर जिले में 29,389 डोज और पटना जिले में 28,911 डोज दिए गए। अगली बड़ी खबर, बिहार में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ा। मुजफ्फरपुर में इलाज के लिए आए 200 से अधिक बच्चे, 120 भर्ती। जी हां, मुजफ्फरपुर जिले में वायरल बुखार का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अब बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। शनिवार को SKMCH के पीकू वार्ड में 85, केजरीवाल अस्पताल में 30 और सदर अस्पताल में 5 बच्चों को भर्ती कर इलाज चल रहा है। हर दिन अलग अलग अस्पतालों में OPD में 200 से अधिक बच्चे वायरल सहित अन्य बीमारी से पीड़ित होकर सरकारी अस्पताल में पहुंच रहे हैं। SKMCH के शिशु रोग विशेषज्ञ का कहना है कि बच्चों में जो अभी वायरल बुखार हो रहा है वह सामान्य वायरल इन्फेक्शन नहीं है। बच्चों में अचानक हाई फीवर होकर सर्दी जुखाम हो रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि 4 से 5 दिन की दवा लेने के बाद ही उनकी सेहत में सुधार हो रहा है। बड़ी खबर, पैरालंपिक में भारत को 19 पदक। गृह मंत्री अमित शाह ने चमत्कार के लिए PM मोदी को दिया क्रेडिट। जी हां, टोक्यो पैरालंपिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 19 पदक जीते हैं। यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने इस चमत्कार के लिए PM नरेंद्र मोदी को क्रेडिट दिया है। उन्होंने UPA सरकार के मुकाबले और NDA सरकार के दौर में पदकों की संख्या में हुई वृद्धि का ग्राफ दिखाकर यह बताया कि मोदी सरकार में ही खेलों के अच्छे दिन आए हैं। वहीं टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारतीय खेलों के इतिहास में टोक्यो पैरा ओलंपिक का हमेशा विशेष स्थान रहेगा। प्रत्येक भारतीय की स्मृति में यह खेल अंकित रहेंगे और खेलों के प्रति जुनून के लिए खिलाड़ियों की पीढ़ियों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। अगली बड़ी खबर, पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी का जदयू से इस्तीफा, राजद में होंगे शामिल। जी हां, जदयू के प्रदेश उपाध्यक्ष और पातेपुर विधानसभा के पूर्व विधायक प्रेमा चौधरी ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद प्रेमा चौधरी ने जदयू और CM नीतीश पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए राजद में शामिल होने का ऐलान किया है। रविवार को हाजीपुर स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर उन्होंने यह जानकारी दी है।
बड़ी खबर, पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक के लिए प्रवेश परीक्षा 25 और 26 सितंबर को। जी हाँ, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद ने पारा मेडिकल व पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा की तिथि जारी कर दी है। पॉलिटेक्निक व पार्ट टाइम पॉलिटेक्निक की परीक्षा 25 सितंबर को आयोजित की जाएगी। वहीं पारा मेडिकल इंटर स्तरीय व पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय परीक्षा 26 सितंबर को आयोजित की जाएगी। इसके लिए एडमिट कार्ड 20 सितंबर को जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म भरने की प्रक्रिया जारी है। स्टूडेंट पारा मेडिकल इंटरमीडिएट स्तरीय, पारा मेडिकल माध्यमिक स्तरीय, पॉलिटेक्निक पार्ट टाइम और 4 वर्षीय पॉलिटेक्निक में एडमिशन के लिए bcc.bihar.government.in पर 7 सितंबर तक आवेदन कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, बिहार में मोबाइल ऐप से होगी मिड डे मील की निगरानी, स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग की तैयारी जोरों पर। जी बिहार में स्कूल खुलने के बाद शिक्षा विभाग मध्याह्न भोजन यानी कि मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर विभाग की तैयारी जोरों पर है। बताया जा रहा है कि अब बिहार के स्कूलों में मिड डे मील की निगरानी मोबाइल के ऐप से की जाएगी। इसको लेकर जिला स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के क्रियान्वयन और किचन में सफाई तथा बच्चों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता जांच के लिए नियमित रूप में निरीक्षण किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो स्कूल काम में बेहतर पाया जाएगा सरकार उसे पुरस्कृत भी करेगी। अगली बड़ी खबर, बिहार में तैयार होगा बीमारी का डेटा बैंक, अब हर घर का होगा फैमिली फोल्डर, 30 साल से अधिक उम्र के लोगों की दर्ज होगी मेडिकल हिस्ट्री। जी हाँ, बिहार सरकार बीमारियों का डेटा बैंक तैयार करा रही है। इसके लिए हर घर का फैमिली फोल्डर तैयार किया जाएगा। यह डेटा एक बेस होगा जिसमें हर परिवार में 30 साल से ऊपर के सदस्यों का पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी। गंभीर बीमारियों से बचाव को लेकर तैयार डेटा कलेक्शन के विशेष मॉडल से कैंसर, मधुमेह, स्ट्रोक और हृदय रोग पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। बीमारियों के डेटा बैंक सामने आने के बाद फिर इस पर सरकार हेल्थ प्रोग्राम चलाएगी। आपको बता दें कि बीमारी के विशेष डेटा बैंक को तैयार करने और बिहार में हेल्थ के बड़े सर्वे को लेकर आशा को प्रशिक्षित किया जा रहा है। प्रांत की बड़ी खबर, बीएसईबी ने डीएलएड विशेष परीक्षा का कार्यक्रम किया घोषित। जी हाँ, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने डीएलएड विशेष परीक्षा 2020 के परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। बिहार बोर्ड के ताजा नोटिस के अनुसार डीएलएड विशेष परीक्षा का आयोजन 20 सितंबर से 24 सितंबर तक दो पालियों में पटना के निर्धारित परीक्षा केंद्र पर किया जाएगा, जिसके लिए एडमिट कार्ड 6 सितंबर यानी आज से अपलोड कर दिए जाएंगे। आज के लिए आपका सवाल बताएं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में कौन सा स्थान है, इसका जवाब आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।